सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के संकल्प शिविर अभियान में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय मोड में आ चुकी है। कांग्रेस चुनावी अभियान की शुरुआत संकल्प शिविर अभियान के जरिए शुरू कर चुकी है। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में इस अभियान की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने किया। इस आयोजन में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ दीपक बैज और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा संकल्प शिविर में शामिल हुई। कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में, जिसे संकल्प शिविर का नाम दिया गया, पूरे प्रदेश में सबसे पहले रायपुर पश्चिम विधानसभा के में संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा है, तो मैं पार्टी अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सबसे पहले शुरुआत रायपुर पश्चिम में। आप पे कितना बड़ा विश्वास पार्टी ने किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी जिसका उद्बोधन आप सुन रहे थे, हमारे प्रभारी महासचिव कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, आदरणीय चंदन जी, विजय जांगिड जी और विधायक साथी और राष्ट्रीय सचिव भाई विकास उपाध्याय जी, भाई एजाज जी, भाई राजेश तिवारी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, ज्ञानेश शर्मा जी, सुभाष सुपर जी, आकाश शर्मा जी, गिरीश दुबे जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, अजय साहू जी, प्रमोद दुबे जी और प्रमोद चौबे जी, श्री कुमार मेमन जी और बिस्सा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक ले रहा था। विकास उपाध्याय आप जानते हैं कि एनएसयूआई के, युवक कांग्रेस के, वो प्रदेश के भी पदाधिकारी रहे, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, अन्य बहुत सारे प्रदेशों के भी प्रभारी रहे। संगठन की जो मूल बात है उसका सवाल मैंने कर दिया और उसमें मैंने कहा, सवाल पूछा विकास से कि चुनाव लड़ चुके हो, संगठन के बड़े बड़े पद में रह चुके हो, मैंने कहा आपको वोटर लिस्ट पढ़ना आता है? अब पढ़े लिखे आदमी यूनिवर्सिटी में राजनीति किए व्यक्ति को बोले पढ़ना आता है, तो निश्चित रूप से विकास तो तेज तर्रार भी है, थोड़ा उनको गुस्सा है, पढ़ना कैसे नहीं आएगा। मैंने दूसरा सवाल दागा, अनुभाग को जानते हो? एक बूथ में कितने अनुभाग होते हैं? वो निरुत्तर हो गए। मैंने, बाबू जिस दिन अनुभाग पढ़ना आ जाएगा उस दिन चुनाव नहीं हारोगे, जीतोगे। वहीं वोटर लिस्ट मंगाया, मैंने बताया एक बूथ में कितने आपके अनुभाग होते हैं, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 11 अनुभाग होते हैं। बड़े मोहल्ले के 2-3 अनुभाग में ही हो जाता है एक बूथ। और उस दिन से इनके साथ मोटरसाइकिल में बैठ बैठ के भी अनुभाग मैंने बनवाया, बूथ बनवाई। बहुत सारे साथी चेहरे, परिचित चेहरे हैं जिनके साथ मैंने बैठ के आयोजित की, जिन्होंने, ये उनकी राजनीति है दोस्तों। जब खोपड़ी गर्म होता है तब जाके झोपड़ी जलता है। ये इस प्रकार से सबके दिमाग को गर्म करना चाहते हैं, सबके अंदर में नफरत भरना चाहते हैं और नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। सत्ता चाहिए चाहे किसी प्रकार से हो, उसे कोई मतलब नहीं, जनता जिए या मरे, उनको रोजगार मिले ना मिले, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। जबकि कांग्रेस का हर व्यक्ति से नाता है, हर परिवार से नाता है, हर वर्ग से नाता है, हर वर्ग के लिए उत्थान का काम किया है। पिछले 5 साल में जो मौका हमको मिला है, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, चाहे बच्चे हो, महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, किसान हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए योजना बनाई। कोई वर्ग ऐसा नहीं कर सकता कि हमारे शासन की योजना का लाभ नहीं मिला। अरे वर्ग छोड़ दीजिए, कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का हमको लाभ नहीं मिला, क्योंकि हमने सबके लिए काम किया है। जहां छूटता है
लोग बताते हैं कि ये वर्ग छूट गया तो तुरंत हम लोग सोचते हैं कि किस प्रकार से योजना बनाकर उसको लाभान्वित कर सके। ये प्रयास, और आज यही कारण है कांग्रेस के नीतियों से, कांग्रेस विचारों से ओत प्रोत और कांग्रेस के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और अंत में कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। यह कांग्रेस है जिसके आप सदस्य हैं, जिसके आप पदाधिकारी हैं, आप ही हैं साथी, जिसको जिम्मेदारी मिली है, जो इस हाल के अंदर में बैठे हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, वैचारिक लड़ाई होती है, तब वहां पे खड़गे जी नहीं होंगे, वहां पे सोनिया जी, राहुल जी नहीं होंगे, वहां पे प्रियंका जी नहीं होंगी, वहां पे शैलजा जी नहीं होंगे, वहां पे दीपक बैज नहीं होंगे, वहां हर जगह विकास उपाध्याय भी नहीं होगा, न वहां गिरीश दुबे होंगे, वहां होंगे तो खड़गे जी और राहुल जी के प्रतिनिधित्व के रूप में, कांग्रेस की विचारधारा के प्रतीक के रूप में यदि कोई होगा तो आप होंगे। आप वो हमारे नेता हैं। तैयार हैं? है तैयार? हम मुट्ठी तान के हाथ उठा के, है तैयार? हम है तैयार? हम है तैयार? हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, शैलजा मैडम जिंदाबाद, दीपक बैज जिंदाबाद, धीरज दुबे जिंदाबाद, जीतेंद्र भाई।